दोस्तों बहुत बहुत इस्तकबाल है नजर इंडिया न्यूज में, और फलाही काम जो चल रहे हैं मुमरा में बहुत से लोगों की तरफ से चल रहे हैं, बिना किसी एडवर्टाइजिंग के, बिना किसी दिखावे के चल रहे हैं। आज हम शाह आलम भाई के पास आए हैं, उन्होंने कहा कि मेरी खिदमत का कोई जिक्र ना किया जाए, अवाम से वो कुछ अपील करना चाह रहे हैं कि जो किल्लत हो रही है खाने पीने की उसको लेकर, और जो अवाम शिकायत कर रही है कि फला नहीं कर रहा है, फला मदद नहीं कर रहा है, मदद आपकी हर कोई कर रहा है, क्या अपील करना चाहते हैं आप उनसे जान लीजिए, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं मुमरा शहर के लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग सुकून से रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर कोई जो साहिब हैसियत मुमरा शहर के अंदर रहने वाला इंसान है वो अपने तरीके से मदद पहुंचा रहा है। फर्क ये पड़ रहा है कि थोड़ी सी जो अफरा तफरी मची हुई है इसकी वजह से बहुत से लोगों के पास ये कहना आ रहा है कि मतलब डबल डबल, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं सिर्फ अपने भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप तक अनाज पहुंच जा रहा है किसी का और दूसरे का आपके पास आ रहा है तो आप बोलो कि भाई हमारे पास है 5 दिन का, आप मेरे दूसरे भाइयों तक पहुंचा। मैं शहर के लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि मेहरबानी करके गरीबों तक पहुंचाइए, और लोग पहुंचा रहे हैं, और गरीब भाइयों से भी मेरी गुजारिश है कि आप जमा मत करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहेगा तो एक हफ्ते के अंदर सारी चीज सारे शहर में अनाज ही अनाज अल्लाह ताला कर देगा। बहुत सी बड़ी बड़ी तंजीमें जो अपने अपने अनाज लाई हैं अभी पैकिंग कर रहे हैं शायद उनका भी बटेगा, और जिस दिन बटेगा इंशाअल्लाह ताला मैं भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग इसमें कोई राजनीति मत रखिए, आपसे जो हो रहा अल्लाह के वास्ते कीजिए, इसका अजर अल्लाह देगा, हर चीज अल्लाह के वास्ते करो। आप लोग देखिए इंशाअल्लाह ताला एक भी इंसान मुमरा के अंदर भूखा नहीं रहेगा, सही तरीके से खाली हर लोगों तक पहुंचे, और इंशाअल्लाह लोग जो मेहनत कर रहे अल्लाह चाहेगा तो 2-4 दिन के अंदर हर घर में पहुंचेगा अनाज, जहां जहां अनाज जा रहा, अनाज जहां खाने की जरूरत है, खाना भेज रहे लोग, हर जगह से खाना आ रहा है। बस यही हो रहा है कि मतलब बहुत से ऐसे इलाके हैं जो बहुत अंदर तक हैं, तो इंशाल्लाह हमने हमारे जो कांटेक्ट में आ रहे तो हम उनको मैसेज दे रहे कि भाई ये कोने तक आप वहां लेके जाइए, तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो हर जगह अच्छे से खाना पहुंचेगा, अनाज पहुंचेगा। बस मुमरा के लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपने घरों में रहो, रोडों पे मत भटके, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर जरूरत अल्लाह पूरी करने वाला, किसी इंसान की ताकत नहीं है कि वो किसी को खिला देवे, अल्लाह खिला रहा है और वो खिलाएगा इंशाअल्लाह, उसने अगर आपको पैदा किया है तो वही आपको खाना भी खिलाएगा। बस उनसे दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह इस मुसीबत से, इस परेशानी के आलम से अल्लाह ताला हमें निजात दे, हमारे शहर की, हमारे मुल्क की हिफाजत करे और हमारे घरों की हिफाजत करे। बहुत बहुत शुक्रिया शाह आलम भाई, और अवाम से हमारी यही अपील है कि जो बात इन्होंने कही है बेहतरीन बात है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, कभी आपको किल्लत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। शिकायत आप कर रहे हैं ठीक है, बेहतरीन बात, बहुत अच्छी बात आप शिकायत कर रहे हैं, आपको जरूरत है, लेकिन जो आपको इन्होंने हिदायत दी है उस पर बड़ा मेहरबानी अमल करिए, क्योंकि सारी तंजीमें लगी हुई हैं और इसमें सियासत का कोई पहलू निकालना सबसे बड़ा गुनाह होगा इस वक्त, क्योंकि यहां पर लोगों की जरूरत है इस वक्त भूख, और जो शाह आलम भाई ने बात कही है उसको अपनाना होगा सभी को। गरीब तबके से हमारी खास तौर से अपील है शाह आलम भाई की तरफ से भी, और उन सभी फलाही तंजीमों की तरफ से हमारी आपसे अपील है कि जो ये बातें कह रहे हैं उस पर अमल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।